नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है अपने पंजाबी .com देख रहे हमारे सभी दर्शकों का और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य एकदम बढ़िया ही होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथों के बारे में। मूल रूप में भक्तों एवं सदगुरुओं की वाणी का संग्रह जो सदगुरु अर्जुन देव जी ने किया था, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, वही सिखों के धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ 36 भक्तों का सच्चा उपदेश है और आश्चर्यजनक बात यह है कि 36 भक्तों ने निरंकार को समदृष्टि में व्याख्यान किया है। किसी शब्द में कोई भी भिन्नता नहीं है। आदि ग्रंथ के साथ साथ दसम ग्रंथ, जो कि सदगुरु गोविंद सिंह जी की वाणी का संग्रह है, उसे भी सिख मानते हैं। ये ग्रंथ खालसे के अधीन है, पर मूल रूप से आदि ग्रंथ का ज्ञान लेना ही सिखों के लिए सर्वप्रिय है। यही नहीं, सिख हर उस ग्रंथ को सम्मान देते हैं जिसमें गुरमत का उपदेश है। आदि ग्रंथ या आदि गुरु ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब या आदि गुरु दरबार या पोथी साहिब गुरु अर्जुन देव द्वारा संग्रहित एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 36 भक्तों के आत्मिक जीवन के अनुभव दर्ज है। आदि ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आदि का ज्ञान भरपूर है। जप वाणी के मुताबिक सच ही आदि है। इसका ज्ञान करवाने वाले ग्रंथ को आदि ग्रंथ कहते हैं। इसके हवाले स्वयं आदि ग्रंथ के भीतर है। हालांकि विद्वान तबका कहता है क्योंकि ये ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर जी की वाणी नहीं थी, इसलिए ये आदि ग्रंथ है। और सतगुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें महल्ले की बनी चढ़ाई, इसलिए इस आदि ग्रंथ की जगह इसे गुरु ग्रंथ कहा जाने लगा। भक्तों एवं सदगुरुओं की वाणी पोथियों के रूप में सदगुरु अर्जुन देव जी के समय मौजूद थी। भाई गुरदास जी ने ये ग्रंथ लिखा और सदगुरु अर्जुन देव जी दिशा निर्धारक बने। उन्होंने अपनी वाणी भी ग्रंथ में दर्ज की। ये ग्रंथ की कई नकलें भी तैयार हुई। आदि ग्रंथ के 1430 पन्ने खालसा द्वारा मानकित किए गए। दसम ग्रंथ सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो सदगुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र वाणी एवं रचनाओं का संग्रह है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की, जिनकी छोटी छोटी पोथियां उन्होंने बना दी। उनकी मौत के बाद उनकी धर्म पत्नी माता सुंदरी की आज्ञा से भाई मनी सिंह खालसा और अन्य खालसा भाइयों ने गुरु गोविंद सिंह जी की सारी रचनाओं को इकट्ठा किया और एक जिल्द में चढ़ा दिया, जिसे आज दसम ग्रंथ कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने रचना की और खालसे ने संपादना की। दसम ग्रंथ का सत्कार सारी सिख कौम करती है। दसम ग्रंथ की वाणियां जैसे कि जाप साहिब, तव प्रसाद सवैये और चौपाई साहिब सिखों के रोजाना सजदा नितनेम का हिस्सा है, और वह वाणियां खंडे बाटे की पाहोल, जिसको आम भाषा में अमृत छकना कहते हैं, को बनाते वक्त पढ़ाई जाती है। तख्त हजूर साहेब, तख्त पटना साहेब और निहंग सिंह के गुरुद्वारों में दसम ग्रंथ का गुरु ग्रंथ साहिब के साथ प्रकाश होता है और रोज हुक्मनामे भी लिया जाता है। सर्वलोक ग्रंथ और भाई गुरदास की वारें शंकाग्रस्त रचनाएं हैं। हालांकि सर्वलोक ग्रंथ में कर्म कांड, व्यक्ति पूजा इत्यादि विषय मौजूद है, जो सिखों के बुनियादी असूलों के खिलाफ है, भाई गुरदास की वारों में मूर्ति पूजा, कर्म सिद्धांत आदि गुरुमत विरुद्ध शब्द दर्ज है। सिख धर्म का इतिहास के लिए कोई भी ऐतिहासिक स्रोत को पूरी तरह से परिपक्व नहीं माना जाता। श्री गुरु शोभा ही ऐसा ग्रंथ माना गया है जो गोविंद सिंह के निकटवर्ती सिख द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें तारीखें नहीं दी गई है। सिखों के और भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कि गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ, गुरु विलास पातशाही दसवीं, श्री गुरु शोभा, महिमा प्रकाश एवं पंथ प्रकाश, जन्म सखियां इत्यादि। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की व्याख्या गुरुद्वारे में होती है, कभी गुरु विलास पातशाही दसवीं की होती है। इतिहास लिखने वाले विद्वान ज्यादातर सनातनी थे, जिस कारण कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों में सदगुरु एवं भक्त चमत्कारी दिखाए गए हैं, जो कि गुरमत के फलसफे के मुताबिक ठीक नहीं है। गुरु नानक का हवा में उड़ना, मगरमच्छ की सवारी करना, माता गंगा का बाबा बुड्ढा द्वारा गर्भवती करना इत्यादि घटनाएं जन्म सिखों और गुरु विलास में सुसज्जित हैं,
और बाद वाले इतिहासकारों ने इन्हीं बातों के ऊपर शिद्वास मसला लगाकर लिखा हुआ है। किसी सतगुरु एवं भक्त ने अपना संसारी इतिहास नहीं लिखा। सतगुरु गोविंद सिंह ने भी अपना जितना इतिहास लिखा है वह संक्षेप और टूक प्रमाण जितना लिखा। सिख धर्म इतिहास को इतना महत्व नहीं देता। जो इतिहास गुरबानी समझने के काम आए उतना ही सिख के लिए जरूरी है। आज सिख इतिहास का शुद्धिकरण करने में लगे हैं और पुरातन ग्रंथ की मदद के साथ साथ गुरमत को ध्यान में रखते हुए इतिहास लिख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, हिंदी में वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि देशों विदेशों में रह रहे हमारे जितने भी फैंस हैं उन्हें पंजाब के बारे में, पंजाब की धरती के बारे में, पंजाब के वीर योद्धाओं के बारे में और तमाम पंजाब की जितनी भी संस्कृति है उसके बारे में बड़ी आसानी से हिंदी भाषा में जाना जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए अपने पंजाबी.com पर। धन्यवाद।